हेलो गाइज, एम आकाश, वेलकम टू द टेक प्लेस। सो गाइज, आईफोन 14 सीरीज बहुत ही जल्दी आने वाला है, ये बात तो तुम लोगों को पता है। अगर तुम में से कोई आईफोन 14 लेने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारा जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारा जो एक्साइटमेंट लेवल है वो फिर से कम भी हो सकता है। तो अगर तुम लोगों को जानना है आईफोन 14 सीरीज का स्पेक्स कैसा होगा, प्राइसिंग कैसा होगा और लॉन्च डेट कब है तो इस वीडियो को पूरा देखना। और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक कर देना गाइस। और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 30 लाइक्स का एम, जल्दी से कंप्लीट करवा दो। तो चलो बिना देरी करके वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहले सारे गुड न्यूज सुना देता हूं वरना तुम लोग वीडियो छोड़ के चले जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन से। वैसे तो आईफोन 14 सीरीज का जो डिजाइन है उसके अंदर तुम लोगों को कोई भी चेंजेस नोटिस नहीं होगा, वही बॉक्सी डिजाइन है, मेटालिक फ्रेम है और सिरेमिक शील्ड का बैक शील्ड है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को कुछ चेंजेस नजर आएंगे। जैसा कि आईफोन 14 का जो बेजल है उसको बहुत ही ज्यादा पतला किया गया है इस बार, मतलब लिटरली बहुत ही कम बेजल्स आप लोगों को देखने को मिलने वाला है इस बार के आईफोन 14 सीरीज के अंदर। पीछे का जो कैमरा बम्प है उसके अंदर भी आप लोगों को एक थोड़ा सा स्मूथ स्लो बम्प देखने को मिलेगा। और आईफोन हमेशा की तरह इस बार भी बहुत सारे कलर वेरियंट्स लेके आने वाला है जिनमें से एक पर्पल कलर होगा जो इस बार का आईफोन का शायद एक हाईलाइटेड कलर वेरियंट हो सकता है। लीक्स के मुताबिक आईफोन 14 और 14 प्रो के अंदर हम लोगों को 6.1 इंचेस का एक स्क्रीन देखने को मिलेगा और जो मैक्स वेरिएंट्स है उनके अंदर हम लोगों को 6.7 इंचेस का एक स्क्रीन देखने को मिलने वाला है। और एक बात, एप्पल अपने मिनी सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया है क्योंकि वो सीरीज उतना ज्यादा नहीं चलता था, इस वजह से इस बार हमें आईफोन का जो मिनी सीरीज है वो देखने को नहीं मिला। उसके बदले हमें इधर आईफोन 14, 14 मैक्स, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स देखने को मिलने वाला है। जो आईफोन 14 प्रो मैक्स और प्रो है उसमें हमें 120 हर्ट्ज का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है और जो रेगुलर आईफोन 14 और 14 मैक्स है उसके अंदर हम लोगों को 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट है वो 1 टू 120 हर्ट्ज तक होने वाला है। और अगर बात करें डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है इधर एप्पल का डिस्प्ले आप लोगों को मिलेगा तो एकदम टॉप नॉच ही होने वाला है। और अगर बात करें नॉच के बारे में तो एक लीक के मुताबिक जो आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स है उसमें हमें पिल प्लस पंच होल कटआउट देखने को मिलने वाला है और जो आईफोन 14 और 14 मैक्स है उसके अंदर हम लोगों को जो रेगुलर एप्पल का नॉच देखने को मिलता है वही सेम नॉच हमें देखने को मिलने वाला है। मेरे हिसाब से एप्पल को अपने सारे वेरिएंट से ही नॉच को हटा देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है। तो अभी बात करते हैं कैमरा के बारे में। एप्पल के कैमरा और वीडियो क्वालिटी के बारे में तो तुम लोगों को पता ही है कि कैसा है, इसी वजह से एप्पल स्पेशली पॉपुलर है। और एक चीज जरूर नोटिस किया होगा तुम लोगों ने, एप्पल बहुत सालों से 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा यूज आ रहा है, बस सेंसर के अंदर चेंजेस होता रहता है। और 12 मेगापिक्सल होते हुए भी हमेशा एप्पल अपने ऑप्टिमाइजेशन और क्वालिटी की वजह से बाजी मार जाता है। जो बाकी ब्रांड्स 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ नहीं कर पाता है वो एप्पल अपने 12 मेगापिक्सल सेंसर के साथ करके दिखाता है, इसी वजह से एप्पल का जो कैमरा है वो हमेशा चर्चे में रहता है। लेकिन इस बार गाइस एप्पल इससे भी एक स्टेप आगे जाने वाला है। जी हाँ, इस बार एप्पल अपने प्रो मॉडल्स में शायद 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दे सकता है। तो अगर ऐसा होता है तब तो भाई बहुत ही जबरदस्त कैमरा क्वालिटी हमें इधर देखने को मिल सकता है। और जो रेगुलर मॉडल्स है उनमें हमें 12 मेगापिक्सल का ही सेंसर देखने को मिलेगा, बाकी सेंसर्स भी 12 मेगापिक्सल के ही होंगे, तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप हम लोगों को पीछे की तरफ देखने को मिलने वाला है। तो अगर हमें पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है तो ये बहुत ही एक बढ़िया हाईलाइट होने वाला है इस बार कैमरा में। फ्रंट कैमरा के बारे में अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा में भी चेंजेस किए गए हैं, हमें इधर वाइड अपर्चर के साथ बिल्ट इन ऑटो फोकस भी देखने को मिलने वाला है। तो कैमरा एक बहुत ही बड़ा हाईलाइट हो सकता है इस बार। एक मिनट, मैं तो सब गुड न्यूज ही तुम लोगों को बता रहा हूँ, तो रुको अभी गुड न्यूज और बैड न्यूज मिक्स करके देता हूँ। तो अभी बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। पिछले बार का जो A15 बायोनिक चिप था वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इफिशियंट एक चिपसेट था क्योंकि वो 5 नैनोमीटर पे बेस्ड एक चिपसेट था और उसमें हमें 6 कोर देखने को मिला था। और सारे आईफोन 13 वेरिएंट्स में हमें A15 चिप ही देखने को मिला था, बस जो प्रो मॉडल्स है उनमें हमें एक कोर ज्यादा देखने को मिला था। लेकिन इस बार जितने भी लीक्स निकल के आए हैं इनमें एक बात कॉमन है, सबको यही लगता है कि इस बार के जो नॉन प्रो मॉडल्स है उनमें हमें A15 बायोनिक चिप देखने को मिलने वाला है। बट एप्पल अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इसको F16 चिप बताएगा और जो प्रो मॉडल्स है उनमें हमें A16 चिप देखने को मिलेगा जो 4 नैनोमीटर पे बेस्ड हो सकता है और उसमें हमें एक कोर एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो जो प्रो मॉडल्स खरीदने वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज है और जो नॉन प्रो मॉडल्स खरीदने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज ये हो सकता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है चिप शॉर्टेज, जिसकी वजह से हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। और चाइना में कोविड की वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी इफेक्ट देखने को मिला है, जिसकी वजह से एप्पल को अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करना पड़ा है वियतनाम पे। अभी इस बार के आईफोन 14 सीरीज के अंदर हमें
4GB रैम के बदले 6GB रैम देखने को मिल सकता है शायद। और एक न्यूज आ रहा है कि इस बार के आईफोन सीरीज के अंदर हम लोग को 2TB तक स्टोरेज देखने को मिल सकता है। मतलब आप लोग सोच सकते हो अच्छे खासे एक पीसी में भी हमें 2TB का स्टोरेज देखने को नहीं मिलता है और इधर हमें एक स्मार्टफोन में 2TB तक स्टोरेज देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब हमें वीडियोग्राफी में भी एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। शायद 8K भी हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा और जो सिनेमैटिक मोड है उसके अंदर शायद हम लोग को 4K का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। पिछली बार का जो आईफोन 13 था उसके अंदर हम लोग को सिनेमैटिक मोड पे सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन ही देखने को मिला था, तो इस बार हमें 4K तक देखने को मिल सकता है। और एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन आप लोग को पता है, तो इधर आप लोग को अच्छा खासा बैटरी लाइफ भी देखने को मिलने वाला है। तो अभी बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो लॉन्च डेट तो सितंबर 22 में ही होगा शायद, लेकिन जो प्राइसिंग है वो एप्पल का जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग रहता है उससे थोड़ा सा अलग हो सकता है इस बार, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है और इंडिया में अप टू 10,000 ज्यादा हो सकता है इस बार। और इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है चिप शॉर्टेज और मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्शन, तो ये थोड़ा सा बैड न्यूज है। तो ये था पूरा न्यूज आईफोन 14 सीरीज के बारे में। बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, 30 लाइक्स का एम है। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी को ऐसे कंटेंट देखना पसंद है तो शेयर जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।